नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रॉनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज 10 जनवरी सुबह के 10:30 और लाइव मार्केट ओपन है। जिस तरह से आप देख रहे हैं निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली है, उस हिसाब से जैसे कि फाइनेंस सेक्टर के शेयरों के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि अब इंडियाबुल्स होम फाइनेंस के अंदर भी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद एक कंसर्न एक एरिया के अंदर ट्रेड कर रहा है, ये उसी एरिया के अंदर चल रहा है। अब मुझे लगता है यहाँ से जो एरिया था वो करेक्टिव हो चुका है इसके अंदर, अब इसे तेजी का इंडिकेशन दिखा रहा है, यहाँ से तेजी जरूर दिखाएगा ये शेयर। तो चलिए, अभी तक आप आगे अपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो देखिए, कल मैंने आपको जीपी पावर पर कॉल दिया था, तो जब मैंने बात की थी 10 रुपये का लेवल दिखा सकता है, बट आज जेपी पावर सडनली क्या हुआ है कि आज जेपी पावर में अपर सर्किट लग गया है। अब ये जल्दी से ब्रेकआउट नहीं होगा, काफ़ी समय बाद जेपी पावर में अपर सर्किट लगाया और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बनाया। तो चलिए हम बात करते हैं इंडियाबुल्स होम फाइनेंस के बारे में। तो देखिए, कंपनी बेसिकली काम क्या करती है, होम और फाइनेंस दोनों नाम से ही समझ आ चुका है आपको, होम और फाइनेंस। होम लोन्स प्रोवाइड करती है कंपनी बेसिकली, तो बेसिकली कंपनी का काम क्या है, होम फाइनेंस को प्रोवाइड कराना, ठीक है ना। इनका यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के अंदर काम है बेसिकली, इनका चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, NCR इनके अंदर बहुत अच्छा वर्किंग एरिया है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अपार्टमेंट, जैसे बिल्डर्स जो अपार्टमेंट टावर बनाते हैं उधर फाइनेंस का काम करते हैं, इंडियाबुल्स होम फाइनेंस वहाँ पे फाइनेंस करती है आपको। जैसे कोई भी आपको BHK 3BHK जैसा अपार्टमेंट लेना, तो वहाँ पे फाइनेंस करवाना, तो होम इंडियाबुल्स होम फाइनेंस बहुत अच्छी तेज़ी से फाइनेंस करती है, बहुत अच्छे रिवाइबल और ईजी टू लोन है इनका, यानी कि प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इस तरह के लोन से प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली आपका मोटा मोटा समझ आ चुका है इंडियाबुल्स होम फाइनेंस लिमिटेड करती क्या। अब चलते हैं शेयर के अंदर, चल क्या रहा है, सही में सही समय ऐसा बाय करने का नहीं, ये भी समझते हैं। ये प्राइवेट बैंकिंग कंपनी है, तो ये देखिए आज ये अभी ये 1% की तेजी के साथ ये चल रहा है, इस टाइम पर ट्रेड कर रहा था। आज ये ओपन होता 221.40 रुपये का, हाई मारा 240.70 रुपये का, लो मारा 220.50 रुपये का। इसका 52 हाई है 313.70 रुपये का, 52 लो है 154.20 रुपये का। कब से कंपनी है, 2000 से है सन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। 5 दिन के अंदर अभी तक इसने 0.38% रिटर्न दिया पॉजिटिव में, 1 मंथ के अंदर अभी तक ने माइनस में 13% रिटर्न दिए, 6 मंथ के अंदर अभी तक ने 17% रिटर्न दिया माइनस में, ईयर टू डेट के अंदर अभी तक 0.81% रिटर्न दिया पॉजिटिव में। तो देखिए, शेयर अभी एक साल से चला नहीं है, 6 महीने से शेयर के अंदर मूवमेंट नहीं आई है। मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे मूवमेंट नहीं आई है। तो देखिए, पहले इसका मार्केट कैप समझते हैं। तो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आपको NSE BSE दोनों मिल जाएगा। इसका मार्केट कैप है 10,258 करोड़ रुपये का, स्टॉक पीयर 10.8 का, स्टॉक ROC इसका 9.25 का, बुक वैल्यू इसकी काफ़ी अच्छी है 322 रुपये की, और इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी 6.97%। डिविडेंड कंपनी ने दिया 4.08% के हिसाब से डिविडेंड दिया अभी तक, और इसके फेस वैल्यू 2 रुपये के। कंपनी के अंदर पॉजिटिव साइन क्या, कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर 0.68 times ऑफ बुक वैल्यू, कंपनी ने अपना डिविडेंड मेंटेन रखा 48.84, काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है कंपनी ने अपना डिविडेंड मेंटेन रखा है। अब चलते हैं इसका थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो ये देखिए, मैं मनी कंट्रोल की साइड पर आ चुका हूँ। तो इंडियाबुल्स हाउसिंग के अंदर इसके अंदर क्या चल रहा है, तो अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है 21.69, FIS की होल्डिंग है 27.13, DIS की होल्डिंग है 12.39, और अदर्स की होल्डिंग है इसके अंदर 3.68, और पब्लिक की होल्डिंग है 35.11। तो देखिए, अच्छी खासी होल्डिंग है इसके अंदर सबकी, FIS की सबसे ज़्यादा होल्डिंग है इसके अंदर। देखिए, FIS क्यों होल्डिंग अपना डालता किसी भी शेयर के अंदर, वो क्योंकि फीचर प्रेडिक्ट करता है, फीचर के हिसाब से चलते हैं कि फीचर के अंदर इस शेयर के अंदर तेजी होगी, इसलिए FIS की होल्डिंग हर शेयर उस शेयर के अंदर FIS की होल्डिंग इसमें मिलेगी जिसका उसके बिजनेस की ग्रोथ होती है। तो थोड़ा टिकर टेप की साइड पर आ चुका हूं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे को ये होम फाइनेंस का काम करते हैं, यहाँ 50% एनालाइजर हम बोल रहे हैं बाय करने के लिए। ये देखिए, एवरी क्वार्टर यानी कि एवरी ईयर कंपनी ग्रोथ करती है, ऐसा नहीं है कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही, हर थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऊपर नीचे चलता है, बाकी प्रॉफिट मेकिंग रहती है कंपनी एवरी ईयरली भी चेक करेंगे आप। तो अब इसका चलते हैं मेनली इसके चार्ट के अंदर चलते हैं। तो देखिए, मैंने पहले सबसे पहले सब मंथली चार्ट ओपन कर रखा है। तो देखिए, मंथली चार्ट पे चल क्या रहा है, तो ये शेयर ना देखिए 2 मार्च के महीने में 2020 के अंदर उसमें अच्छी खासी गिरावट हो गई थी 103 तक की गिरावट थी, उसके बाद से करेक्टिव हो गए क्योंकि ये कैंडल नहीं टूट पा रही। जिस दिन ये शेयर 330 के ऊपर जाएगा उस दिन इसमें और तेज़ी देखने को मिलेगी, आपको लॉन्ग विजन बता रहा हूँ थोड़ा सा।
तो जिस दिन ये इस कैंडल को तोड़ेगा, इस कैंडल का हडल ब्रेकआउट करेगा, उस दिन इसमें और तेजी मिलेगी, 330 के ऊपर और तेजी मिलेगी। देखिए इसका 52 हाई कितना, 313 रुपये। मैं अभी बात कर रहा हूँ ये कैंडल कितने की, 330 की है। तो यहाँ जब ये हडल टूटेगा, देखिए ये एरिया के अंदर ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये 170 से लेके ये 200 300 313 तक के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, 250 से लेके ये 313 313 के बीच में ही ट्रेड कर रही है, यानी कि 52 लो से लेके 52 हाई इसी एरिया के अंदर ट्रेड कर रहा है। देख सकते हैं आप, यानी कि जनवरी 2001 से लेके आप जनवरी चल रहा है 2022, यानी पूरे एक साल के अंदर शेयर के अंदर मूवमेंट नहीं मिली है। शेयर कितना चला है, यानी 123 से लेके अभी तक शेयर चला है 313 तक के बीच में ही शेयर ट्रेड करा है। अब थोड़ा सा मंथली के बाद हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे देखिए क्या दिख रहा है। देखिए वीकली चार्ट पे भी अच्छा खासा वही नैरेटिव दिख रहा है कि शेयर के अंदर, चार्ट के अंदर कोई इंडिकेशन नहीं है। चार्ट के अंदर अभी बस जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है 100 डेज के एमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बाकी एमएससीडी पे मूवमेंट दिख रहा है। यहाँ पे क्रॉस मूविंग का मूवमेंट दिखने को तैयार बैठा है। यहाँ देखिए बिल्कुल स्लाइटली एकदम टच होके, और देखिए ये लास्ट वीक के, अब इस वीक के अपर पे लेवल ट्रेड कर रहा है शेयर इस टाइम पे। आरएसआई हमारा 46 के आसपास चल रहा है। तो डेली वीकली चार्ट पे आप चलते, डेली चार्ट पे हम लोग, तो वीकली चार्ट पे एक इंडिकेशन हमारे को नज़र आ रहा है। देखिए वीकली चार्ट पे एक कैंडल का हडल है 252 रुपये पे, 252 की कैंडल है। जैसे जब ये, जब तक ये कैंडल 230 तक का लेवल पार नहीं करता तो इसमें और तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी 252 230 के पास, क्योंकि ये कैंडल इसका हडल है। और मैं भी चाहता हूँ कि जो मेरा थर्ड टारगेट है अपना 330 रुपये का, 230 रुपये का, तो हमें क्या रखना है इसके अंदर, स्टॉप लॉस रखना है 219 रुपये का, 219 या 200 आप स्टॉप लॉस लेके चलिए 215 रुपये का, ठीक है। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे हम 215 रुपये का। तो यहाँ से जो अपना पहला टारगेट आएगा, यहाँ से जो कि ये कैंडल है ये 225 रुपये की, तो हमारा यहाँ से पहला टारगेट है 226 रुपये का, ठीक है। जैसे ही 226 का हार जैसे क्रॉस आउट करेगा तो दूसरा टारगेट हमारा आएगा 230 रुपये का। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल बनी हुई है, ये जो कैंडल है 230 तक की है, तो दूसरा टारगेट हमारा 230 का है। जैसे इसको तोड़ेगा तो इस कैंडल के बीच में आएगा नैरेटिव में, तो 235 तक के लेवल इजीली दिखा देगा आपको। 20 से 25 दिन का टारगेट दे रहा हूँ, मुझे लगता है आने वाले 10 से 10 दिन के अंदर पहले दो टारगेट हिट हो जाएंगे। पहला टारगेट 226 का, दूसरा टारगेट 230 का, तीसरा टारगेट 235 रुपये का। क्यों बता रहा हूँ 235 का टारगेट, ये देखिए स्लाइटली अभी थोड़ा सा जूम कर रखा है मैंने, तो देखिए आरएसआई बिल्कुल, एमएससीडी बिल्कुल करेक्टिव मोड पे, बिल्कुल एकदम करेक्शन पे है। आरएसआई हमारा 46 के आसपास जा चुका है। तो ये आप देखिए, थोड़ा सा क्लोज करता हूँ आपको। ये देखिए जो आज के दिन इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन रही है, इसका तेजी का इंडिकेशन है। जैसे ही कल के हाइस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा, 225 के ऊपर जाएगा, तो क्लोज करता तो इसमें और भी न्यू हाइस देखने को मिलेंगे, 230 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये देखिए किस तरह से चार्ट पे करेक्टिव एरिया है, यानी करेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है चार्ट के अंदर, जितना गिरना तक गिर चुका है। अगर आप 215 के स्टॉप लॉस से भी बाय करके चलेंगे तो इसमें आप तेजी के दमखम देखने को मिला, शेयर के अंदर मूवमेंट बन रहा है जिस तरह से आज इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिल रही है। और ये आज 225 के ऊपर क्लोज करता तो कल इसमें और भी तेजी देखने को मिलेगी आपको। तो आपको क्या करना है, पहला टारगेट 226 का, दूसरा टारगेट 230 का, तीसरा टारगेट 235 रुपए का, इन तीन टारगेट का बाय करना, पैसा होल्ड रखना। आप देख सकते हैं ये जो गैप अप था पूरा फिल हो चुका है एमएससीडी पे, अब तेजी का इंडिकेशन दिख रहा है। तो आरएसआई एमएससीडी और वीकली चार्ट भी बताया मैंने, तो आपको यहां से क्या करना है, आपको पैसा होल्ड रखना है। 20 से 25 दिन में सारे टारगेट हिट होंगे, और अभी अपने पुराने प्रीवियस कॉल थे जितने भी 10-15 कॉल थे सारे सबके टारगेट हिट हो चुके हैं। तो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आपके वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।